अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको चिकन कढ़ाई बनाने की रेसिपी देती हूँ। चिकन कढ़ाई मैंने आपको पहले भी अपनी रेसिपी में बताया था, लेकिन ये वाली उससे डिफरेंट है, आप ये भी जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 kg मैंने चिकन लिया है, ये 3 टमाटर है मेरे पास, ये साइज आप चेक कर लें। और आज मैं बड़ी चिली यूज कर रही हूँ, रीजन ये है कि जो जो मसाले इसके अंदर डालेंगे वो ऑलरेडी स्पाइसी होंगे, अगर आप दूसरी छोटी चिली यूज करेंगे तो वो और आपके चिकन को स्पाइसी बना सकती है। तो अगर आप ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन इसका जो फ्लेवर और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही डिफरेंट है दूसरी चिली से। साथ ही मैंने ये कोरिएंडर लिया है गार्निश के लिए। मसालों में मैंने क्रश चिली 1 टीस्पून है, और आप 1.5 टीस्पून सॉरी डालिएगा, 1 टीस्पून सॉल्ट है, टर्मिक पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये मैंने 1 टीस्पून कोरिएंडर, 1 टीस्पून जो है वो क्यूमन सीड लिए हैं, और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। इन तीनों चीजों को मैंने ये देखे मोटा मोटा से इस तरह से कूट लिया है। यहाँ पे मैंने जिंजर और गार्लिक को भी बारीक, इसका पेस्ट मत बनाइएगा, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है ताकि कढ़ाई के अंदर इसका जायका जो है वो बहुत अच्छा है। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत आसानी से झटपट आप बना लेंगी। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी कढ़ाई बनाने की तरफ। पैन में आप ऑयल शामिल कर लें, तकरीबन आधी प्याली मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूंगी, ठीक है। यहाँ पे आधी प्याली मैंने ऑयल इसके अंदर डाला है, साथ ही मैं इसके अंदर ये जो चिकन है ये डाल दूंगी। चिकन डालने के बाद फिर ये जो जितने मसाले मैंने आपको बताए थे ये सारे इसके अंदर मैं डाल दूंगी। और ये टमाटर के भी छोटे छोटे पीस करके डालिएगा, बहुत बड़े मत डालिएगा, ठीक है। ये डाल के सिर्फ इसके अंदर मिर्चें ऐड नहीं करनी, जो बड़ी वाली चिली और कोरिएंडर मैंने आपको बताया था वो नहीं ऐड करना, वो हम बिल्कुल गार्निश के लिए एंड में डालेंगे। और इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर मैंने सारा मसाला इसमें डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब ये करूँगी कि इसको आपने ढककर जो है वो रख देना है, ताकि टमाटर का पानी, चिकन का पानी जो निकलेगा वही उसी पानी के अंदर ये चिकन गलेगा। और चिकन तो बहुत जल्दी आपको पता है पक जाता है, इसको ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस अब हम इसको छोड़ देंगे जब तक इसका पानी ना निकले, और फिर हम इसका पानी ड्राई करके इसको मसाले को भूनेंगे। ये चिकन ने देखे पानी इस तरह से छोड़ा है ना, तो अब मैं इसका सारा पानी तेज आग करके ड्राई कर लूंगी। पानी ड्राई करने के बाद मैंने ये देखे इस तरह ही चिकन की भुनाई कर ली है। अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा ताकि जो सारा मसाला है उसके अंदर कोई पानी ना रह जाए। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, और देखिए कितना मज़े का ये मसाला भी हमारा रेडी हुआ है। तो बस इसको अच्छे तरह से मैं भून लूँगी। तो ये अब हमारा जो चिकन है रेडी है। बस ये देखिए इस तरह से ऑयल निकल आया है, मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। तो बहुत लो हीट कर लेंगे अब इसकी। लो हीट करने के बाद जो मैंने आपको ये चिली बताई थी ये सारी मैं इसके अंदर डालूंगी। ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत मजे की है। इस तरह से आपने बस ये करके, तो सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसको कीजिएगा, ज़्यादा देर के लिए मत रखिएगा। वो रीज़न ये है कि अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखेंगी तो जो कोरिएंडर का कलर है ओरिजिनल ग्रीन कलर वो चेंज हो जाएगा, जो कि कढ़ाई में अच्छा नहीं लगता। ओरिजिनल ही कलर रहने दीजिएगा इसका। बस 2 मिनट के लिए दम देने के बाद हमारी ये चिकन की जो कढ़ाई है बिल्कुल रेडी है। तो नाज़िम मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी आज की न्यू चिकन की कढ़ाई बहुत पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।